मूवी की शुरुआत में कॉमिक्स पब्लिश करने वाले एक छोटी कंपनी को दिखाते हैं, जहां एक एमडी और उसके नीचे चार ड्राइंग आर्टिस्ट काम करते हैं। आर्टिस्ट में से एक अपना हीरो है जिसका नाम हीडियो है। कॉमिक्स ड्राइंग उसका पैशन है और कम सैलरी के बावजूद वो बड़ी चाह के साथ वो काम करता है। वहाँ एक लड़की भी काम करती है। अब एक दिन वे टीवी देखते हुए काम कर रहे होते हैं, उसमें न्यूज आता है कि सड़क पर एक लड़की को कुत्ते ने काट दिया। कुत्ते का ओनर उसको रोकने आया पर उसको भी कुत्ते ने बुरी तरह काट दिया। फिर न्यूज रीडर कहती है, सॉरी मैंने न्यूज गलत पढ़ दी थी, एक्चुअली कुत्ते ने नहीं बल्कि एक लड़की ने कुत्ते को काट दिया था। कुत्ते का ओनर बीच में आ गया था और उस लड़की ने उसे भी जानवर की तरह काट कर घायल कर दिया। न्यूज सुनकर वे चौंक जाते हैं। अगली न्यूज में 35 साल के एक आदमी को पुलिस ने अरेस्ट किया है क्योंकि उसके बिहेवियर अजीब सी थी। तभी हीडियो का कलीग कहता है, हीडियो तुम बच के रहना, आखिर नौकरी ना मिलने की वजह से तुम भी बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, कहीं पुलिस तुम्हें अरेस्ट न कर ले। इस तरह वो हीडियो को चिढ़ाता है। इस पर हीडियो गुस्से में इमोशनल होकर कहता है, कॉमिक्स के बारे में तुम जानते क्या हो, मैं तुम्हारी तरह से काम समझ के नहीं करता, ये मेरा पैशन है। उसकी बात सुनकर बाकी लोग आकर उसके हाथ मिलाते हैं और कॉमिक जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। तभी उसका कलीग उसे पुकारता है, तब पता चलता है कि इतनी देर वो अपनी काल्पनिक दुनिया में चिल्लाकर कॉमिक्स पर लेक्चर दे रहा था। दरअसल हीडियो अपनी कल्पना में जीने वाला आर्टिस्ट है जो खुद को एक हीरो की तरह इमेजिन करता है, पर एक्चुअली वो बहुत ही डरपोक होता है। वो अपनी हीरोपंथी सिर्फ अपनी राइटिंग और ड्राइंग के द्वारा एक्सप्रेस करता है। तब एमडी पूछता है कि क्या तुम लोगों की स्टोरी कंप्लीट हो गई? लड़की कहती है कि मेरी स्टोरी कंप्लीट है सर। एमडी उसे अपनी फाइल लेकर कैबिन में आने को कहता है। वो भी बहुत खुशी-खुशी एमडी के कैबिन में जाती है। अब काम खत्म करके हीडियो रात को घर लौटता है और अपनी दूसरी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। तब उसकी गर्लफ्रेंड टेको नहाकर आती है। वो हीडियो को इग्नोर करके चली जाती है और आराम से लेटकर टीवी देखने लग जाती है। अब रोज की तरह उस दिन भी वो अकेला बैठकर खाना खाता है। टीवी प्रोग्राम में कोई कहता है कि काम करने वाले आदमियों की वजह से उनकी गर्लफ्रेंड बहुत ही परेशान है, ऐसे आदमी किसी काम के नहीं होते। अब टेको वॉल्यूम बढ़ा देती है ताकि हीडियो भी सुने। उसकी यह हरकत हीडियो को बहुत ही हर्ट करती है और वो गिल्टी फील करने लगता है। रात को उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती, वो उठकर ड्रॉइंग करने लगता है। फिर अपना पुराना अवार्ड निकाल कर देखता है जो उसे 15 साल पहले बेस्ट कॉमिक ड्रॉइंग के लिए मिला था। फिर वो लॉकर खोलता है जिसमें उसकी गन और लाइसेंस होते हैं। वो गन उठाकर आईने के सामने हीरो की तरह पोज करने लगता है। अब टेको उठकर चिल्लाती है कि ठीक से कमाते तो होने, कम से कम मुझे चैन से तो सोने दो। अब ऐसा कहकर वो कमरे से बाहर चली जाती है। हीडियो कहता है कि मेरी पहली स्टोरी पब्लिश तो होने दो, फिर देखो मैं कितना कमाता हूँ। इस तरह वो उसको मनाता है पर वो उसको देखती भी नहीं। अगले दिन वो अपनी कॉमिक स्टोरी को लेकर एक पब्लिशर के पास जाता है। अब एडिटर कहानी पढ़कर कहता है कि इसमें ऐसी कोई खास बात या फिर हीरोइज्म वाली बात तो दिख नहीं रही। तभी वहाँ एक फेमस कॉमिक राइटर आता है और एडिटर उन दोनों की इंट्रोडक्शन करवाता है। उस आदमी ने 15 साल पहले हीडियो के साथ अवार्ड जीता था, उसकी कई बुक्स भी पब्लिश हो चुकी है और वो बहुत ही फेमस हो गया है। हीडियो मायूस हो जाता है कि उसकी एक भी स्टोरी अभी तक पब्लिश नहीं हुई। उस आदमी से बात करते करते एडिटर हीडियो की स्टोरी को रिजेक्ट कर देता है। अब बेचारा बहुत ही परेशान हो जाता है। घर लौटकर वो टेको को सब कुछ बता देता है। टेको गुस्से में उसकी चीजें बाहर फेंक कर कहती है, ये सब बेच कर कुछ पैसे तो लाओ, तभी जाकर इस महीने का खर्चा चलेगा। फिर वो उसकी गन भी बाहर फेंक देती है और उसका अवार्ड तोड़ देती है। वो गुस्से में चिल्लाती है कि मैं इतने साल से इंतजार कर रही थी कि तुम एक दिन अच्छा कमाओगे और मैंने तुमसे शादी करने के सपने भी देखे, लेकिन तुम्हारा इंतजार करते करते मैं 34 साल की हो गई हूँ और कितने साल मुझे इंतजार करवाओगे। तुम अपनी काल्पनिक कॉमिक्स की दुनिया से बाहर आओ और सच्ची दुनिया को समझो। कॉमिक्स की दुनिया में एक दो लोग ही सफलता पाते हैं और उन लोगों में से तुम नहीं हो और तुम कभी सफल नहीं हो सकते। इस तरह डांट कर वो उसको बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर देती है। फिर अंदर से रोती हुई कहती है, तुम एक काम छोड़कर और कोई ढंग का काम पकड़ लो और फिर आकर मुझसे बात करो, वरना मुझे भूल जाओ। तुम या तो मुझे छोड़ो या अपनी कॉमिक्स की दुनिया को। अब ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। अब बेचारा हीडियो दरवाजे के पास शांत खड़ा होता है और उससे सॉरी कहता है। टेको बेताबी से उसके फैसले का इंतजार कर रही होती है पर वो कहता है कि लाइसेंस के बिना गन यूज करने से पुलिस पकड़ लेगी, प्लीज अंदर से मेरा लाइसेंस मुझे ला कर दो, मैं चला जाऊंगा। टेको और भी टेंशन में हो जाती है और लाइसेंस उठाकर बाहर फेंक देती है। फिर हीडियो अपनी चीजें लेकर ऑफिस में शिफ्ट हो जाता है। उस रात वो एक पार्क में बैठकर सोच रहा होता है। कुछ ही दूर पर एक बुजुर्ग कांप रहा होता है पर अंधेरे में हीडियो उसको देख नहीं पाता। अगले दिन हीडियो ऑफिस में एज यूजुअल काम कर रहा होता है और टीवी पर बताते हैं कि एक नया वायरस फैल रहा है, इसके इन्फेक्शन से लोगों को शिवरिंग शुरू हो रही है। अचानक वो लड़की कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। अब ऐसा कहकर वो ऑफिस के एक कमरे में जाती है। तभी हीडियो का कलीग कहता है कि लगभग 2 घंटे से वो लड़की एमडी के कमरे में थी, जब वो बाहर आई तो उसकी गर्दन पर घाव था। अब एमडी की एक फैमिली है पर न जाने वो इस लड़की की लाइफ के साथ क्यों खेल रहा है।
तभी एमडी बाहर आता है और कहता है कि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। फिर वो एक टॉनिक निकाल कर पीता है, तभी उसकी आंखें कुछ अजीब सी होने लगती है। इसी बीच वीडियो स्केच बनाते बनाते सो जाता है। तब उसकी गर्लफ्रेंड कॉल करती है और बाकी लोगों के डिस्टर्ब किए बिना वो बालकनी में जाकर बात करता है, पर आसमान में उस वक्त बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स उड़ते हुए देखकर वो चौंक जाता है। टेको बहुत इमोशनल हो जाती है। उसकी आवाज को सुनकर वीडियो पूछता है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? ये क्यों कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने न जाने तुम्हें क्या क्या बोल दिया था, प्लीज तुम घर जल्दी वापस आ जाओ। हीरो को उसकी चिंता खाने लगती है और वो तुरंत घर चला जाता है। अब बहुत देर दरवाजा पीटने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। तब वो लेटर होल से देखता है कि वो बेड पर लेटी हुई है। उसे देखकर वो दरवाजा खोलने को कहता है क्योंकि उसकी चाबी खो गई थी। टेकी अजीब तरीके से उठकर बैठ जाती है, वो बेड से उतर भी नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। उसका शरीर बहुत तड़पने लगता है। अब हीरो उसको देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। उसके हाथ रबड़ की तरह हर दिशा में मुड़ रहे होते हैं और वो उसी तरह चलकर दरवाजे के पास आती है। नजदीक आने पर पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी बन गई है। अब दरवाजा खोलकर वो हीडियो को काटने की कोशिश करती है। हीडियो से बचाने की कोशिश करता है और उसका फोन सीडियो से नीचे गिरकर टूट जाता है। टेक को एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और हीडियो को काटने के बजाय वो दरवाजे को काटने लगती है। उसके सारे दांत टूटकर गिर जाते हैं, हीडियो बिल्कुल ही फ्रीज हो जाता है। तभी टेक को उसको खींचकर घर के अंदर फेंकती है और वो कमरे में जाकर गिरता है। फिर वो पास जाकर अपने हाथ पर मरोड़ती है और उसके ऊपर बैठकर उसके हाथ को काटने लगती है। डर के मारे हीडियो उसको धक्का दे देता है और वो हीडियो की अबॉर्ड से टकराकर वहीं मर जाती है। उसके सर से खून बहने लगता है। अब ये देखकर तो हीडियो बिल्कुल शॉक में होता है। फिर वो अपनी गन लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में एक ब्रिज पर सामने एक लड़की आती है जो अपने हाथ को कसकर पकड़ी में चल रही होती है और उसके हाथ से बहुत खून बह रहा होता है। तभी ऊपर देखते हैं तो बहुत सारे जेट्स उड़ रहे होते हैं। वो अपने ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ न्यूज में बता रहे होते हैं कि सिटी में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है जिससे लोग ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। जो इन्फेक्ट नहीं हुए हैं वे ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहे हैं और व्यूअर्स से विनती है कि वे कहीं भी सावधान रहे। ये न्यूज अंदर खड़ा उसका कलीग देख रहा होता है, वीडियो से पुकारता है तो वो मुड़कर देखता है। वो नॉर्मल दिखता है पर उसके हाथ में एक बैट होता है जिस पर खून के दाग लगे होते हैं। उसकी शर्ट पर भी खून होता है। वीडियो जरा अंदर जाकर देखता है कि उसके दूसरे कलीग का सर फटा हुआ होता है और खून से लथपथ जमीन पर पड़ा होता है। पूरे दीवार पर खून ही खून होता है। तब एमडी बाहर आता है तो उसके सीने में चाकू घुसा होता है, लेकिन वो बहुत ही कैजुअली वीडियो से पूछता है कि क्या तुमने काम खत्म कर लिया। तब वो मोटा कलीग एमडी के हाथ की लकड़ी से उसके सर पर मारता है, पर हर बार वो फिर से उठकर पूछता है काम खत्म किया कि नहीं। अब कलीग कहता है कि टीवी में बता रहे हैं कि ब्रेन को डैमेज करने पर ही ज़ॉम्बी मरते हैं, अगर ये अमेरिका होता तो हम गन से इसका सर उड़ा सकते थे। ये कहकर वो उसको फिर से मारता है। तभी हीडियो को अपनी गन की अहमियत समझ में आती है। तब कलीग एमडी को बैट से पीट पीट कर खतरनाक तरीके से मार डालता है। फिर हीडियो से कहता है कि ये बैट अपने पास रखो, तुम्हारे काम आएगा। वीडियो पूछता है कि इस दुनिया को हुआ क्या है। कली गुस्से में कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, ज़ॉम्बी जिनको काट रहे हैं वे भी ज़ॉम्बी बन रहे हैं। वीडियो अपने हाथ की घाव को दिखाता है जो टेक्यो के कांटे से हुआ है, पर टेक्यो के सारे दांत गिर गए थे, इस वजह से वीडियो का खून नहीं निकला था। एमडी के मारने के बाद भी कली उसे पीटना नहीं छूटता और धीरे धीरे खुद भी ज़ॉम्बी बनने लगता है। तब वीडियो नोटिस करता है कि उस आदमी के पैर पर ज़ॉम्बी के काटने के निशान है। पूरा ज़ॉम्बी बनने से पहले वो एक चाकू निकाल कर अपना सर काट लेता है। उसके सर से पिचकारी की खून निकल कर सीधे दीवार पर गिरती है। अब ये दृश्य देखकर हीडियो तो बिल्कुल ही सुन्न हो जाता है। तब अंदर के कमरे से वो लड़की आती है, वो भी ज़ॉम्बी बन गई थी। वो तेजी से हीडियो पर झपटती है, हीडियो बाहर भागता है। इन घटनाओं से बेखबर लोग सड़क पर नॉर्मली चल फिर रहे होते हैं। कुछ लोग भाग रहे होते हैं तो कुछ लोग ज़ॉम्बी बनकर दूसरे लोगों को काट रहे होते हैं और अचानक उस जगह पर हलचल मच जाती है। पता नहीं चलता कि कौन ज़ॉम्बी है और कौन इंसान। उन लोगों के बीच से अपनी जान बचाकर हीडियो भाग रहा होता है। तभी वहाँ एक पुलिस वाले से वो मदद मांगता है, पर वो भी ज़ॉम्बी निकलता है। उससे बचकर हीडियो भागता है और पुलिस वाला ज़ॉम्बी उसका पीछा करता है। हीडियो एक जगह पर टर्निंग ले लेता है और तेजी से आती हुई गाड़ी पुलिस वाले को मार देती है। अब हलचल के बीच एक कॉल टैक्सी ड्राइवर अपनी कार में मस्त सो रहा होता है। हीडियो उसे जगाता है और तब हीरोइन हिरोमी वहाँ भाग कर आती है। हिरोमी एक स्कूल स्टूडेंट है जो ज़ॉम्बी से बचकर वो टैक्सी की ओर आती है और हीडियो के पीछे छुप जाती है। तब हीडियो इमेजिन करता है कि वो एक हीरो की तरह उन ज़ॉम्बी को शूट कर रहा है और हिरोमी को बचा रहा है। तब कोट सूट पहना एक और आदमी जल्दी से दरवाजा खोलकर टैक्सी के अंदर आता है। हीडियो गुस्से में कहता है कि मैंने पहले टैक्सी बुलाई थी, और ये कहकर वो दूसरे दरवाजे से चढ़कर पीछे बैठ जाता है। हिरोमी फ्रंट सीट पर बैठती है। कार स्टार्ट करके वे तेजी से हाईवे पर जा रहे होते हैं। तब न्यूज चल रही होती है कि वायरस तेजी से फैल रहा है और इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं बनी है। अचानक उस कोट सूट वाले आदमी को बहुत पसीना आने लगता है, उसके हाथ में ज़ॉम्बी के काटने का गहरा घाव होता है।
वो आदमी ज़ॉम्बी बन रहा होता है, हीरो डिसाइड नहीं कर पाता कि पास बैठे ज़ॉम्बी से कैसे निपटना है, हीरो में ये नहीं जानती और वो सड़क को देख रही होती है। रास्ते में कई अपार्टमेंट आग में जलकर राख हो रहे होते हैं। अब कोट सूट वाला अपनी डायरी निकालकर पढ़ने लगता है, उसका खून डायरी पर लगता है और उसको मिटाता है, लेकिन खून के साथ ही कागज की लिखाई भी मिट जाती है। अब ये देखकर ज़ॉम्बी चिल्लाने लगता है और हीरोमी मुड़कर देखती है, पीछे ज़ॉम्बी को देखकर वो शॉक हो जाती है। ड्राइवर अपनी ड्राइविंग सीट पे मस्त होता है और उस आदमी को टिश्यू निकाल कर देता है। वो आदमी ड्राइवर का हाथ काट देता है और ड्राइवर डगमगा जाता है। फिर वो आदमी हीरो को काटने की कोशिश करता है, पर कार ज़िगज़ैग मोशन में चल रही होती है जिससे ज़ॉम्बी ठीक से काट नहीं पाता। हीरो से बचाने की कोशिश कर रहा होता है और तब ड्राइवर बैक डोर खोलने का बटन दबाता है जिससे ज़ॉम्बी बाहर गिर जाता है, पर उसने हीरो का पैर कसकर पकड़ा होता है और वो कार के साथ ही खींचा चला जाता है। हीरो में बैक डोर को बंद करके हीरो को बचाने की कोशिश करती है, पर उससे होता नहीं। आखिर में हीरो उसे कसकर लात मारता है और वो पैर छोड़ देता है। फिर पीछे आती भी बस के नीचे आकर उस ज़ॉम्बी की चटनी बन जाती है। अब हीरो को थोड़ा तसल्ली हो जाती है, पर ये क्या, ड्राइवर भी ज़ॉम्बी बनने लगा था। वो हंसकर कहता है कि ज़ॉम्बी के लिए कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं होते, और ये कहकर वो कार को हाई स्पीड में ज़िगज़ैग मोशन में चला रहा होता है। कार का खुला हुआ दरवाजा टूटकर हवा में उड़ने लगता है और इसी दौरान हीरो हीरोमी को खींचकर पीछे बिठा लेता है। कार फ्री फायर पबजी की तरह तेजी से जा रही होती है। ड्राइवर पीछे मुड़कर खाने की कोशिश करता है और दोनों ने सीट बेल्ट पहनी होती है। तूफान की तेजी से जाती हुई कार दूसरे कार से टकराकर समरसॉल्ट मारती है। ड्राइवर मर जाता है, लेकिन हीरो और हीरोमी बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर में हीरो आंखें खोलता है तो हीरोमी बेहोश होती है। वो हीरोमी को जगाता है और दोनों कार के बाहर आते हैं तो पता चलता है कि कार तो उल्टी पड़ी है। उनके पीछे कार्स का एक ढेर पड़ा होता है जो एक दूसरे से टकराकर तहस नहस हो गए थे। उस सड़क पर उनके सिवा कोई नहीं होता। वे सड़क पर धीरे से चलने लगते हैं। हीरोमी अपना फोन निकालती है और दोनों मिलकर अननोन नंबर से आए हुए मैसेज पढ़ते हैं। अब एक मैसेज में इन्फॉर्मेशन होती है कि अगर आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो सीधे माउंट फुजी पर पहुंच जाए, हम आपकी वहां सुरक्षा करेंगे। अगला मैसेज पढ़ने से पहले ही फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब वे एक जगह बैठे होते हैं जहां से उन्हें माउंट फुजी दिखता है। हम जंगल के रास्ते से उस पहाड़ पर चढ़ेंगे, ये फैसला करके वे निकलते हैं। अंधेरा हो जाता है और वे एक जगह रुकते हैं। हीरो के पास एक ही बन होता है और वो उसे आधा करके हीरोमी को दे देता है। अब थैंक यू कहकर वो बन खाने लगती है। उसके पूछने पर हीरो अपना नाम बताता है। हीरोमी इस नाम का मतलब पूछती है तो हीरो बताता है इसका मतलब है हीरो, मैं तो बस नाम का ही हीरो हूँ, असल में तो मैं जीरो हूँ। वो कहती है तुम मेरी जान बचाकर मुझे इतनी दूर सुरक्षित लेके आए, तुम ही असली हीरो हो, पर तुम अपनी गन क्यों नहीं चलाते। किसी बहाने वो टॉपिक चेंज करके पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अपनी सुरक्षा के लिए गन या और कुछ है। वो अपना आईपैड निकाल कर कहती है कि इसमें मेरी माँ का गाया हुआ एक गाना है, जब भी मुझे डर लगता है तो मैं उनकी आवाज़ को सुन लेती हूँ, तुम भी सुनकर देखो। और ये कहकर हीरो को एयरफोन्स का एक साइड देती है और वो दूसरा पहन लेती है। फिर दोनों गाना सुनते हुए आराम से सो जाते हैं। अगले दिन हीरो उठकर देखता है कि हीरोमी उसके कंधे पर सर रख कर आराम से सो रही है। उसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान होता है। वो घबरा कर अपनी गन निकालता है और उस पर एम करता है। अब हीरोमी झट से उठ जाती है और उसके कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। हीरो जब घाव के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि ये दो दिन पुराना घाव है, मैं अपने पड़ोस की छोटी बच्ची को सुला रही थी कि उस बेबी ने मुझे काट दिया, ये दो दिन पुरानी बात है और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन तुम अपनी तसल्ली के लिए मुझे शूट कर सकते हो, वैसे भी मेरी लाइफ का तो अब कोई मतलब है ही नहीं। अब उसकी इमोशनल बात को सुनकर हीरो गन नीचे कर देता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें माउंट फुजी तक सुरक्षित पहुँचा दूंगा। फिर वे दोनों आगे चलने लगते हैं। कुछ दूर पर हीरोमी थक कर बैठ जाती है और हीरो से कहती है कि तुम्हें अकेले माउंट फुजी जाना होगा, मुझे अपने शरीर से कुछ अजीब सा फील हो रहा है, लगता है मैं ज़ॉम्बी बन रही हूँ। अब अचानक उसकी एक आंख अजीब सी दिखने लगती है। वो अपना आईपैड हीरो को देकर कहती है कि जब डर लगे तो मेरी माँ का गाना सुन लेना और अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। ये कहते कहते वे आवेश में आने लगती है। उसकी हालत देखकर हीरो घबरा कर दूर भागता है और राह चलते एक आदमी से मदद मांगता है, लेकिन वो भी एक खतरनाक ज़ॉम्बी होता है। वो अटैक करता है और हीरो उससे बचने की कोशिश करता है। इस बीच हीरोमी वहाँ आकर उस ज़ॉम्बी को मारकर एक और फेंक देती है। फिर वो धीरे से जाकर उसका सर अलग कर देती है और उसका हाथ तोड़कर हीरो के सामने पोज करती है। हीरो घबराहट में वहीं पड़ा रहता है। हीरोमी उसके पास आती है और हीरो चिल्लाता है कि प्लीज मुझे कुछ मत करो, पर हीरोमी उसका हाथ देकर उसको उठाती है और वो कहता है मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ये कहकर वो अपनी गन लेकर चलने लगता है। पर फिर वो कुछ सोचकर हीरोमी को अपने साथ लेके जाता है। रास्ते में एक कार में थोड़ा खाना होता है जो दोनों आपस में बांटकर आराम से खा लेते हैं। जहाँ भी पानी मिला वो पीकर चल रहे होते हैं। अब अंधेरा हो जाता है और वो एक जगह रेस्ट कर लेते हैं और अगले दिन फिर चलने लगते हैं। हीरो को बहुत भूख लगती है और हीरोमी भी थक जाती है और इस हालत में हीरो उसको उठाकर चलने लगता है। रास्ते में एक ट्रॉली खड़ी होती है पर उसमें खाने की कोई चीज नहीं होती। उस पर माउंट फ्यूजी का स्टिकर देखकर वो बहुत ही खुश होते हैं कि चलो हम अपनी डेस्टिनेशन के बहुत ही करीब हैं। फिर वो हीरोमी को
ट्रॉली में बिठा कर लेके जाता है और वे सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। बाहर कई गाड़ियां डैमेज हालत में खड़ी होती हैं, पर हीडियो ने नहीं देखता और अंदर जाता है। वहां बैठा हुआ एक आदमी जलकर राख हो गया होता है। उसे देखकर हीडियो कपड़ों की दुकान में जाता है, वहां कोई नहीं होता। हीडियो एक कॉस्टली कोट पहनकर आईने में खुद को निहार रहा होता है। तब पीछे खड़ा ज़ॉम्बी उस पर झपटता है और उसको काटने की कोशिश करता है। हीडियो घबरा कर मुंह को उस तरह मोड़ लेता है। अचानक ज़ॉम्बी की आवाज बंद हो जाती है और वो एकदम फ्रीज हो जाता है। हीडियो मुड़कर देखता है तो उसके सर से खून बहने लगता है और वो मर जाता है। पीछे एक लड़की खड़ी होती है जो मूवी की सेकंड हीरोइन यबू है। हीरो भी ट्रॉली में आराम से सो रही होती है। यबू उसके पास जाती है। तब हीडियो यबू से कहता है कि उसे सोने की बीमारी है, इसीलिए वो सोती रहती है। हीरोमी के ज़ॉम्बी होने के बावजूद हीडियो से बचाना चाहता है। वहां कुछ और लोग आकर पूछते हैं कि क्या ये लड़की ज़ॉम्बी है। यबू बताती है कि वो सो रही है, पर उन्हें शक हो जाता है। फिर एक आदमी कहता है कि ज़ॉम्बी कभी नहीं सोते। इस पर वे किसी तरह कन्विंस होकर उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं। फिर वे सब बाहर जाकर छुप जाते हैं। हीडियो भी ट्रॉली लेकर अपने साथ भागने लगता है। तब छत पे बहुत सारे लोग बर्तनों को पीटकर गो कोरोना जैसी आवाजें निकाल रहे होते हैं। आवाज को सुनकर ज़ॉम्बी उस तरह भागने लगते हैं। तभी ये लोग दूसरे रास्ते से एक लैडर पर चढ़कर टेरेस पे पहुंच जाते हैं। अब हीडियो हीरोमी को उठाकर बड़ी मुश्किल से चढ़ रहा होता है। वहां एक मैनेजर हीडियो का स्वागत करता है। हीडियो उस जगह को देखकर बिल्कुल ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वो टेरेस नहीं एक छोटा टाउन जैसा होता है, जहां खाना कपड़ा टेंट और काफी फैसिलिटीज होती है। मैनेजर पूछता है क्या तुम्हारी गन ओरिजिनल है। हीडियो बताता है कि गन शूटिंग में मैंने गोल्ड मेडल जीते हैं और इसका लाइसेंस भी मेरे पास है। मैनेजर खुश होकर कहता है कि भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजा है। तब एक वॉच शॉप का ओनर हीडियो को बहुत सारी घड़ियां देता है। वे हीडियो को बिल्कुल भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। रात को सभी सो रहे होते हैं और हीरोमी अपने टेंट में लेटी होती है। हीडियो और यबू बैठकर बातें कर रहे होते हैं। हीडियो बताता है कि मैं एक कॉमिक्स आर्टिस्ट हूं, पर यबू कहती है कि उसे कॉमिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और उसकी बात को सुनकर हीडियो अपसेट हो जाता है। फिर यबू उसकी बड़ी प्रशंसा करने लगती है कि तुम्हारे आने के बाद ये जगह बहुत ही शांत लग रही है। हीडियो की समझ में नहीं आता कि वो इस रिलेशनशिप को किस हद तक लेके जाए, इसीलिए वो यबू को नहीं बताता कि वो डरपोक इंसान है। अगले दिन दिखाते हैं कि हीरोमी ने अपने एक आंख में कपड़ा बांधा होता है। अगर उसकी ज़ॉम्बी वाली आंख किसी ने देख ली तो उसको वहीं पर मार डालेंगे। अब हीडियो कुछ देर उससे बात करता है और फिर नीचे ज़ॉम्बीज देख रहा होता है। वॉच वाला ज़ॉम्बी के बारे में एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ज़ॉम्बी अपनी पसंद की चीजें बार बार दोहराते हैं। उस ज़ॉम्बी को ले लो, देखो कितना डरावना दिखता है। वो तेजी से भाग कर आता है और हाई जंप करके सर के बल नीचे गिरता है और वो ये बार बार करता है। इस तरह करते करते उसका सर चपटा हो गया होता है। फिर एक ज़ॉम्बी को दिखाते हैं जो एक शॉप का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही होती है। वॉच वाला बताता है कि वो मेरी पत्नी है और शॉपिंग की शौकीन है, इसलिए वो ज़ॉम्बी बनकर अपनी शॉपिंग नहीं छोड़ रही। इस तरह सारे ज़ॉम्बी अपनी पसंद की चीजें लगातार करते रहते हैं और खुद को ऐसे में खुश रखते हैं। तब एक ज़ॉम्बी केकड़े की तरह चलकर जा रहा होता है। अब वॉच वाला बताता है कि इसका कारण मैं नहीं जानता, क्योंकि कुछ ज़ॉम्बी तो अजीब भी होते हैं। फिर मैनेजर हीडियो और दूसरे आदमियों को बताता है कि खाना खत्म हो चुका है। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एक स्टाफ था जिसने ज़ॉम्बी बनने से पहले हमें इस बिल्डिंग का मैप दिया था। इसमें बेसमेंट में जाने का रास्ता मार्क किया गया है। बेसमेंट में खाने और पकाने की सारी चीजें हैं, हमें वहां जाना ही होगा। हीडियो पूछता है कि आप ये सब मेरे साथ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मैनेजर समझ जाता है कि हीडियो एक जोकर है। वो कहता है मुझे तुम सिर्फ अपनी गन दे दो, हमने तुम्हें इसीलिए बचाया क्योंकि तुम्हारे पास गन है। इतने दिन से गन हाथ में लेकर घूम रहे हो, उसे चलाओगे कब? हीडियो की गन में उसकी जान बसी होती है और मैनेजर की बात सुनकर वो घबरा जाता है। तब बाहर लंबे बालों वाला एक टपोरी हीरोमी को टेंट के पास खड़ा होकर दूसरों से चैलेंज कर रहा होता है कि ये लड़की मेरी है। हीरोमी को बचाने के लिए यबू उस टपोरी से लड़ रही होती है। एक आदमी यबू को चाकू दिखाता है और दूसरा हीरोमी को टेंट से बाहर खींचता है। हीडियो तुरंत बाहर जाता है और उसके पीछे मैनेजर और उसके आदमी भी आते हैं। वो आदमी हीरोमी की गर्दन पर चाकू रख लेता है। यहाँ हीडियो अपनी गन मैनेजर पर पॉइंट करके कहता है कि उसे छोड़ दो वरना सबको गोली से उड़ा दूंगा, पर वे उसे सीरियसली नहीं लेते। तभी हीरोमी एक आदमी का हाथ तोड़कर उसे दूर फेंकती है। फिर वो टपोरी के साथ भी वही करती है और अपनी आंख पर बंधा हुआ कपड़ा हटाती है और ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं कि वो तो ज़ॉम्बी है। मैनेजर हीरोमी के माथे पर तीर चलाता है और गन के होते हुए भी हीडियो कुछ नहीं कर पाता और हीरोमी का नाम कहकर चिल्लाता है। टपोरी उसकी गन छीन लेता है और फिर वे उसे एक कमरे में जाकर बुरी तरह से पीटते हैं। मैनेजर टपोरी से गन लेने की कोशिश करता है। टपोरी कहता है कि वो स्कूल की लड़की मेरी थी और तुमने उसे मार डाला, बदले में मैं एक गन रख रहा हूं और अब से मैं यहां का बॉस हूं। मैनेजर को यह सुनकर गुस्सा आता है। हीडियो बाहर आता है तो हीरोमी का टेंट खाली होता है। ये वो मायूस होकर हीडियो का इंतजार कर रही होती है। फिर वो उसे लास्ट टेंट लेके जाती है जहाँ हीरोमी होती है। उसे देखकर हीडियो को थोड़ा तसल्ली होती है।
यबु बताती है कि ये दूसरे जोम्बी की तरह नहीं है जिनकी पल्स नहीं होती। इन्फेक्ट होने के बावजूद इस लड़की की पल्स चल रही है। अब जोम्बी कभी सोते नहीं पर ये सोती है। मैं एक हॉस्पिटल में पहले नर्स थी, फिर जोम्बी वायरस फैलने के बाद मैं अपने पेशेंट को छोड़कर यहाँ चली आई। मैं बहुत ही गिल्टी फील कर रही हूँ, इसलिए मैंने इस लड़की को बचाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, अगर इन्फेक्ट होने के बाद भी ये इतनी शांत है तो इसके खून से शायद हम वैक्सीन तैयार कर सकते हैं। हीडू कहता है कि तुमसे ज्यादा गिल्टी तो मैं फील कर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा गन साथ लेकर घूमता हूँ पर कभी उसका इस्तेमाल करने की हिम्मत ही नहीं हुई। अब ये कहकर वो रोने लगता है और कहता है कि कम से कम मैं उनके साथ बेसमेंट में जाकर खाने की चीज लाता हूँ, तब तक तुम हिरोमी का ख्याल रखो। फिर वो भी दूसरों के साथ बेसमेंट में जाता है। अब टपोरी ग्रुप का एक आदमी मैनेजर का धनुष छीनकर उससे और भी इरिटेट करता है। वे बेसमेंट में उतरते हैं और तभी औरतें बर्तनों से आवाज करके जोम्बी को डाइवर्ट करती है। अब ये लोग बेसमेंट में जाकर टॉर्च से मैप देखकर चलने लगते हैं। तब अचानक बेसमेंट की लाइट चलने लगती है। वे फूड आइटम्स के ठीक बीच में खड़े होते हैं और ये देखकर वे खुशी से झूम उठते हैं। फिर लाउड स्पीकर में गाना भी बजने लगता है। अब वे सोचने लगते हैं कि लाइट्स और गाना किसने चलाया होगा। वे रियलाइज करते हैं कि मैनेजर उनके साथ नहीं है और ये सब वही कर रहा है। अब आवाज को सुनकर एक जोम्बी वहाँ आकर उन्हें अटैक करता है। तब वो उसे शूट करता है और जोर से हंसने लगता है। तभी वहाँ कई सारे जोम्बी आते हैं और सब बचकर वहाँ से भागते हैं। बेसमेंट में जोम्बी का ग्रुप इनकी ओर आ रहा होता है। अब इस भीड़ में टपोरी अपने आदमी को जोम्बी की ओर धकेल देता है और वे उसे काटने लगते हैं। बाकी लोग दूसरी ओर चले जाते हैं। मैनेजर ये सब कंट्रोल रूम से देखकर बहुत ही एंजॉय कर रहा होता है। ऊपर से पूरी बिल्डिंग के सारे स्पीकर्स ऑन कर देता है। अब हाई जंप करने वाला जोम्बी आवाज को सुनकर भी बहुत खुश होता है। वो तेज दौड़कर हाई जंप करता है और टेरेस पर आकर गिरता है। अब यहाँ मैनेजर को अपने आसपास कोई आवाज सुनाई देती है। बेसमेंट में टपोरी को एक जोम्बी अटैक करता है और उसके हाथ से गन नीचे गिरा देता है। अब हीडियो वापस भागकर फूड आइटम वाले एरिया में चला जाता है और वहाँ एक कबर्ड के अंदर छुप जाता है। उसके होश से बाहर देख रहा होता है तो वहाँ कुछ जोम्बी जा रहे होते हैं। तब जमीन पर गिरी हुई वॉकी टॉकी पर यबु की आवाज आती है। वो कहती है कि मैं और हिरोमी टेंट के पास छुपकर बैठे हैं, अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज हमारी मदद करो। एक जोम्बी किसी तरह टेरेस पर पहुंचकर यहां के लोगों को काट चुका है और सभी जोम्बी बन रहे हैं, प्लीज हमें किसी तरह बचा लीजिए। उसकी बात को सुनकर हीडियो को हिरोमी की चिंता होने लगती है। वो बाहर जाकर वॉकी टॉकी पर यबु से बात करना चाहता है पर तभी वो इमेजिन करने लगता है कि बाहर उसे जोम्बी काट कर खा रहे हैं। वो डर के मारे अंदर ही बैठा रहता है। वो बार बार बाहर जाने की सोचता है पर डर उसे बाहर जाने नहीं देता। अब बीजीएम का वॉल्यूम बढ़ने लगता है और हीडियो आक्रोश के साथ चिल्लाता हुआ दरवाजा खोलकर बाहर भागता है। उसकी इमेजिनेशन गलत होती है क्योंकि वहाँ कोई जोम्बी उसे अटैक नहीं करता। वो रिलैक्स हो जाता है और तब अचानक एक जोम्बी उसका हाथ काटता है और छोड़ने का नाम नहीं लेता। हीडियो वहाँ से आग बुझाने के सिलेंडर उठाकर उस जोम्बी के सर पर अटैक करता है। फिर वो अपना स्लीव उठाता है तो हमें पता चलता है कि उसने वॉच वाली की सारी वॉचेस अपने हाथ में पहन रखी होती है और इस वजह से वो बच जाता है। वो वॉकी टॉकी उठाकर कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। ये सुनकर दोनों लड़कियां जरा रिलैक्स होती है। हीरो बेसमेंट में अपनी गन देखता है और उसकी जान में जान आती है और वो उसको उठा लेता है। यबु हिरोमी को पीठ पर उठाकर चुपचाप बेसमेंट की ओर चली आती है। वहाँ मैनेजर उसे देखकर कहता है कि मेरे पास कार कीज है और हम दोनों यहाँ से बच सकते हैं। यबु हीडियो के बारे में पूछती है तो वो कहता है मुझे उस जोकर की परवाह नहीं है और तुम इस लड़की को भी यहाँ छोड़ दो, सिर्फ तुम मेरे साथ आ जाओ। अब यबु ये सुनकर अपसेट होकर उसे घूरती है। इतने में मैनेजर भी जोम्बी बनने लगता है। उसकी आंखें भी अजीब होने लगती है और वो छोटे छोटे बच्चे की तरह थुथलाकर बोलता है मम्मी मैं अंधा हो गया हूँ। फिर वो अपनी उंगलियां अपनी आंखों में घुसा लेता है और आंखों से खून बहने लगता है और फिर वो हंसते हंसते यबु का पीछा करने लगता है। यबु हिरोमी को उठाकर दौड़ रही होती है और एक जगह स्लिप होकर गिर जाती है पर मैनेजर उसे क्रॉस करके भाग जाता है। वीडियो एंड वक्त पर आकर उसे शूट करता है और उसका सर फट जाता है। तभी एक और आदमी जोम्बी से बचकर उनके पास आता है। दूसरी ओर वॉच वाला भागकर आता है पर उसे कई जोम्बी चेस कर रहे होते हैं। अब उन्हें जोम्बियों ने हर तरफ से घेर लिया होता है। यबु के पास मैनेजर की कार की चाबी होती है पर यहाँ से कार तक कैसे पहुँचे। वीडियो दोनों लड़कियों को एक और लेके जाता है और एक सेफ जगह पर बैठा कर कहता है मेरे पास 96 बुलेट है, उनमें से मैं कुछ जोम्बियों को खत्म कर सकता हूँ। तब हिरोमी कहती है कि तुम्हारे रहते में बहुत ही सेफ फील कर रही हूँ। उसके पास सुनकर वीडियो में और हिम्मत आ जाती है और वो हर तरफ जोम्बी को चुन चुन कर शूट कर रहा होता है। उसकी मदद करने के लिए यबु और दूसरा आदमी भी जोम्बी से भिड़ जाता है। अब हीडियो लगातार गन को लोड करते हुए जोम्बियों को धड़ाधड़ शूट कर रहा होता है। तब एक बुलेट नीचे गिर जाती है। उसे उठाने में वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और नई बुलेट लोड करता है। सब अपने तरीके से जोम्बियों से लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी जोम्बी की काट खाकर मर जाता है। फिर वॉच वाले की वाइफ उसे काटने आती है। वो अपने पति को पहचान लेती है पर उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं होता और वो उसकी गर्दन पर काट देती है। फिर वॉच वाला अपनी वाइफ को मारकर खुद भी सुसाइड कर लेता है। तब एक बड़े मांस के टुकड़े जैसा दिखने वाला जोम्बी भाग कर आता है। उसे देखकर हीरो कांपने लगता है और उसके सर पर गोली चलाता है। उसके सर फट जाता है पर फिर
भी वो भाग कर आता है। इतने में बुलेट्स खत्म हो जाती है और हीडियो गन रिलोड करता है। तब तक वो ज़ॉम्बी हीडियो के पास आकर उस पर गिरकर मर जाता है, लेकिन हीडियो उसके नीचे दबा पड़ा होता है। एक ज़ॉम्बी हीडियो के हाथ पर काटता है, पर वो उसे धक्का देकर अपने ऊपर पड़े हुए बड़े ज़ॉम्बी को भी बड़ी मुश्किल से हटा देता है। फिर वो अपने हाथ की सारी घड़ियां उतार कर वापस शूट करने लगता है। अब वहाँ सिर्फ हीडियो, हिरोमी और यबू जिंदा बचे होते हैं। लगभग सारे ज़ॉम्बियों को हीडियो ने शूट कर दिया होता है। अब चैन के सांस लेने से पहले ही हाई जंप वाला ज़ॉम्बी हीडियो की तरफ आ रहा होता है। हीडियो उसके पैर पर शूट करता है और बुलेट उसके पैर पर लगकर पैर कट जाता है, पर फिर भी वो भागना नहीं छोड़ता। तब बुलेट्स भी उसकी खत्म हो जाती है। अब हीडियो पॉकेट चेक करता है, पर कहीं भी बुलेट्स नहीं होती। वो चारों तरफ देखता है तो उसकी नजर ज़ॉम्बी के पीछे पड़ी हुई एक बुलेट पर पड़ती है। वो जल्दी से ज़ॉम्बी की लाशों के बीच जाकर उसे उठाकर गन में रिलोड करता है और पास आते हुए हाई जंप ज़ॉम्बी वाले को शूट कर देता है। इस मेल ज़ॉम्बी को शूट करने के बाद हिरोमी और यबू हीडियो को हीरो मानने लगती है, पर लगता है सर के बल गिरने की उस हाई जंप ज़ॉम्बी को आदत पड़ चुकी है और इसी वजह से उसका ब्रेन बहुत ही स्ट्रांग हो गया था। वो फिर उठकर दोनों लड़कियों की ओर भाग कर आता है। वक्त पर हीडियो अपने गन से उसका सर फोड़ देता है और ज़ॉम्बी वहाँ पर मर जाता है। फिर तीनों इस विश्वास के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलते हैं कि मेडिकल रिसर्च सेंटर में जाकर हिरोमी का इलाज करवाएंगे और उसके खून से वैक्सीन बनाने की कोशिश करेंगे। फिर वे मैनेजर की कार से वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में यबू हीडियो से उसके नाम का मतलब पूछती है और वजनदार आवाज में हीडियो जवाब देता है, मेरे नाम का मतलब है हीरो। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो कैसी लगी ये मूवी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।